Question number 321. Sickle cell disease is an example of which type of hereditary patent? Sickle cell disease वो किस प्रकार के hereditary patent का example है? Option A, autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked dominant, X-linked recessive. इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव जिसका अर्थ है कि प्रत्येक सेल में जीन की दोनों कॉपी में म्यूटेशन होता है, प्रत्येक सेल में जीन की दोनों कॉपी में म्यूटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरुलेंस फैक्टर इन न्यूमोकोकस इज, न्यूमोकोकस में वायरुलेंस फैक्टर है वो कौन है? ऑप्शन है मेसोसोम, एंडोटॉक्सिन, सेल वॉल, कैप्सूल। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कैप्सूल। कैप्सूल है वो न्यूमोकोकस का वायरुलेंस फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज इज फाउंड इन कोलोस्ट्रम? कोलोस्ट्रम में किस टाइप की एंटीबॉडी पाया जाता है? ऑप्शन है IgE, IgA, IgM, IgD। इसका आंसर है ऑप्शन बी, IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू कन्वर्ट H2O2 टू O2 वी यूज, बैक्टीरिया H2O2 से O2 में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं, वो एबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑप्शन है ऑक्सीडेज टेस्ट, साइट्रेट टेस्ट, पेरोक्सीडेज टेस्ट, कैटालेज टेस्ट। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कैटालेज टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसओ टाइटर एस्टिमेशन कैन बी डन बाय, एसओ टाइटर एस्टिमेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है लेटेक्स एग्लूटिनेशन, एलाइजा, स्लाइड एग्लूटिनेशन, नन ऑफ द एबव। इसका आंसर है ऑप्शन ए, लेटेक्स एग्लूटिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेकेनिज्म ऑफ ड्राई हिट स्टेरिलाइजेशन इज प्राइमरीली, ड्राई हिट स्टेरिलाइजेशन का मेकेनिज्म है वो मुख्य तौर पर क्या है? ऑप्शन है कोगुलेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, कन्वर्जन इनटू सॉल्ट। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमिक पेरोटाइटिस इज मोर कॉमनली कॉल्ड, एपिडेमिक पेरोटाइटिस से वो मुख्य तौर पर क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है मम्स, फ्लू, एंसेफलाइटिस, कॉमन कोल्ड। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजोन्स प्रोटीन कोगुलेट एट विच टेम्परेचर? बेंजोन्स प्रोटीन है वो कितने टेम्परेचर पर कोगुलेट होता है? यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए है वो वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, मैं इसका डायरेक्ट आंसर देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 40 से 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सीमेन द फ्लूड सिक्रीशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल इज अबाउट, सीमेन में सेमिनल वेसिकल से कितना, लगभग कितना जो सेमिनल फ्लूड है वो सिक्रेट होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क का जो पार्ट है वो निम्न में से आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन है सेरेब्रम, सेरेब्रम, पॉन्स, मिड्यूला, ऑब्लोंगेटा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेरेब्रम, सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl इज सिक्रेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, HCl है वो निम्न में से किस सेल से सिक्रेट होता है? ऑप्शन है ग्लोबलेट सेल्स, पेप्टिक सेल्स, सिप सेल्स, ऑक्सेंटिक सेल्स। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सेंटिक सेल्स। ऑक्सेंटिक सेल्स यानी पैराइटल सेल्स और एपिथेलियल सेल्स। तो यहाँ से ये ऑक्सेंटिक सेल से HCl सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चर मीडिया दैट इज यूज टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर इन मिक्स कल्चर इज,
ऐसा कल्चर मीडिया जो मिक्स कल्चर में से पर्टिकुलर कोई एक का ग्रोथ करवाने के लिए यूज होता है वो कल्चर मीडिया को क्या कहते हैं। वो कल्चर मीडिया कौन सा है? ऑप्शन है एनरिच मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, नन ऑफ दिस। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एनरिचमेंट मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ग्राम्स पॉजिटिव? निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया है वो ग्राम्स पॉजिटिव है? ऑप्शन है क्लेब्सिला निमोनी, बेसिलस एंथ्रेसिस, सीजेला, एच इन्फ्लुएंजा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बेसिलस एंथ्रेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज ऑल्सो नोन एज आई वर्म? निम्न में से कौन सा पैरासाइट है जो आई वर्म के नाम से भी पहचाना जाता है? ऑप्शन है लोला, एचनाना, हिप वर्म, टेनिया सोलेम। इसका आंसर है ऑप्शन ए, लोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टर्म विच इज सो लो स्पर्म काउंट इज? कौन सा टर्म है जो कम शुक्राणु की संख्या दर्शाता है, यानी जब लो स्पर्म काउंट होते हैं तब कौन सा टर्म यूज होता है? ऑप्शन है एस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, नेक्रोजोस्पर्मिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओलिगोस्पर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इन्वेस्टिगेशन एंटीकोगुलेंट कंटेनिंग ब्लड इज नॉट यूज? निम्न में से किसकी जांच में एंटीकोगुलेंट वाला ब्लड यूज नहीं होता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, एबीओआरएच, CD4 एंड CD8 काउंट, क्रिएटिनिन। इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्रिएटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड यूज इन साइलिस एसिड हिमेटिन मेथड इज? साइलिस एसिड हिमेटिन मेथड में कौन सा एसिड यूज होता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पिक्रिक एसिड। इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीकोगुलेंट यूज इन ESR बाय वेस्टर्न ग्रीन्स मेथड इज? वेस्टर्न ग्रीन्स मेथड के द्वारा ESR किया जाता है उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज होता है? ऑप्शन है EDTA, हेपेरिन, सोडियम सिट्रेट, अमोनियम ऑक्सलेट। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम सिट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन ZN स्टेनिंग प्रोसीजर? ZN स्टेनिंग प्रोसीजर है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो कितना होता है? ऑप्शन है 10%, 25%, 40%, 0.1%। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू इन ऑर्डर टू स्टडी द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज इज नोन एज? रोग की अभिव्यक्ति के अध्ययन के लिए उत्तक का माइक्रोस्कोपिक परीक्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है टिश्यूलॉजी, हेमेटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, फेरासाइटोलॉजी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, हिस्टोपैथोलॉजी।